गहुई महिला मंडल के द्वारा हरियाली तीज गहुई भवन बस स्टैंड पर मनाई गई। साथ ही समाज के वरिष्ठ प्रतिभाशाली महिलाओं का सम्मान किया गया। सर्वप्रथम मां सरस्वती ददा मैथिली शरण गुप्त की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर दीप प्रज्वलित किया गया। ध्वज गीत गाए गए। महिला मंडल द्वारा मुख्य अतिथि श्रीमती श्वेता शर्मा, पुलिस विभाग अध्यक्षता श्रीमती मिथिला तीत बिलासी, विशिष्ट अतिथि डॉक्टर रश्मि गुप्ता, पार्षद श्रीमती ज्योति गेड़ा को मंचा सिंह कराया गया और इन महिलाओं का रोरी का तिलक लगाकर स्मृति चिन्ह और श्रीफल चुनरी उड़ाकर माला पहनाकर सम्मान किया गया। इसके उपरांत महिला मंडल अध्यक्ष श्वेता नगरिया ने हरियाली तीज के बारे में बताया कि सावन का महीना व्रत त्योहारों के लिए खास होता है। ऐसे तो सावन का प्रत्येक दिन भगवान शिव की पूजा करने के लिए बेहद खास होता है, लेकिन कुछ तिथि के दिन भगवान शिव और माता पार्वती के पूजा करने का विशेष विधान है। जैसा हर साल सावन महीने की शुक्ल पक्ष की तृतीया तिथि को हरियाली तीज मनाई जाती है। इस दिन विधि विधान से भगवान शिव और माता पार्वती की पूजा अर्चना होती है। इसी को मानते हुए महिलाओं ने गहुई भवन में सावन झूला डाला, शिव पार्वती की पूजा की, झूला झुलाया और फिर महिलाओं ने प्रतियोगिताएं भी कराई, जैसे लंगड़ी कूद, चेयर रेस, चूड़ी पहनाओ, प्रश्नोत्तरी, चुटकुले आदि में विजेता महिलाओं को पुरस्कार दिए गए। महिला मंडल द्वारा भजनों का आयोजन भी कराया गया जो देर शाम तक चलता रहा। हरियाली तीज कार्यक्रम में वरिष्ठ संघ की पूर्व अध्यक्ष माधुरी तीत विलासी, श्रीमती कमला कोठारी, श्रीमती रजनी केड़ा, अध्यक्ष श्वेता नगरिया, उपाध्यक्ष ज्योति रूसिया, महामंत्री लक्ष्मी कसाब, कोषाध्यक्ष पूजा पहाड़िया, संगठन मंत्री नंदनी तीत विलासी, कार्यकारी अध्यक्ष रुचि निखरा, मानसी सादेले, संगीता कनकने, प्रीति अमर, वंदना निखरा, कामनी सेठ, रचना सेठ, इंद्र सावला, मंजू बिलिया, कल्पना कोठारी, मधु बिलिया, नेहा बिलिया, राधा नविका नगरिया, आरवी कनकने, कृष्ण याना बिलिया, प्रतिभा कनकने सहित गहु समाज से 300 से अधिक महिलाएं शामिल हुई। संवाददाता संजय गुप्ता बिलिया करे रहा।